हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन लेकर आए हैं जो बनाने में बहुत ही आसान है। बिगनर भी इसको बना सकते हैं और ये डबल कलर में डिज़ाइन बनेगा और बहुत ही बनाने में आसान है। तो ये चार फंदों का डिज़ाइन है, तो आप फोर के मल्टीपल में अपने फंदे डाल सकते हैं, उसमें से एक आध फंदा फालतू रख लीजिएगा। तो ये देखिए, तो चलिए हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए पहले हम लोग ये एक फंदा, ये दो फंदे हम लोग इसे उल्टे बना लेंगे ताकि हम लोगों को अपना डिज़ाइन समझने में आसानी रहे। अब ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये तीन फंदे हैं, ये वाले तीन फंदे। अब हम इन तीन फंदों को धागा अपनी तरफ करेंगे और इन तीन फंदों का हम तीन फंदे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा, एक फंदा बनाया, फिर सिलाई पे बल डाला और फिर से हमने एक फंदा और बना लिया, एक बल वाला हो गया और तो ये तीन के तीन फंदे हो गए। और धागा बाहर करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऐसे ही रिपीट पैटर्न। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे अंदर और ये तीन फंदों का फिर से हम ऐसे ही बल डालेंगे और तीन फंदों के तीन फंदे ही करेंगे। फिर से बाहर करेंगे धागा और एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से रिपीट पैटर्न। ध्यान से देखिएगा, फिर से हमने तीन फंदे लिए, फिर से तीन के तीन फंदे बनाएंगे, धागा लपेटेंगे और तीन फंदे बनाएंगे। ध्यान से देखिए, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे और फिर से रिपीट पैटर्न, तीन फंदों के तीन फंदे बनाएंगे धागा लपेट के। तो ऐसे ही हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे रिपीट पैटर्न के साथ। तो मैं आपको रिपीट करने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, दोबारा से लास्ट में अब हमारे पास पीछे देखिए तीन फंदे बचे हैं, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और दो फंदे लास्ट में हम उल्टे बनाएंगे। अब देखिए, अब ये दो कलर का डिज़ाइन बना रहे हैं तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। उल्टी सिलाई इसकी उल्टी ही बनेगी, पर इसमें हम लोग अपना धागा उल्टी तरफ से स्टार्ट करेंगे। जो दूसरे कलर का धागा है उसको आप उल्टी साइड से हमें स्टार्ट करना है। जब भी आप बनाने लगे स्टार्टिंग में, तो आप उल्टी तरफ से एक डिज़ाइन वाली सिलाई बनाने के बाद आप उल्टी तरफ से धागे को जोड़ लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट कलर से अपना स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन। अब ये उल्टी सिलाई है तो इसको हमने सीधा ही उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई ही बनेगी, प्लेन सिलाई बनाएंगे, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं आएगा। तो मैं आपको ये सिलाई बनाने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, अब हमने उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर ली है और अपना दूसरा कलर भी हमने इसमें चेंज कर लिया उल्टी तरफ से। आप जब भी बनाएं, आप उल्टी तरफ से अपना धागा लगाएंगे दूसरा वाला कलर, तो आपका ये डिज़ाइन जो है फिनिशिंग में एकदम नीट एंड क्लीन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो चलिए आप सेकेंड रो में सीधी तरफ से इसको आप ध्यान से देखिएगा कि अब डिज़ाइन कैसे बनेगा। पहले हमने दो फंदे उल्टे बनाए थे, तो ध्यान से देखिए, और ये हमने
ये तीन फंदे हमने, इन पे हमने तीन के तीन बनाए थे। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने साथ में सीधा फंदा बनाया था एक, ये वाला फंदा ध्यान से देखिए, ये हमने तीन के बाद ये वाला फंदा सीधा बनाया था। अब जो डिज़ाइन बनेगा वो एक सीधा वाला फंदा, एक इधर वाला फंदा और एक इधर वाला फंदा लेके इस पर डिज़ाइन बनेगा। तो अब हमारा ये फंदा सीधा आएगा और इस तरफ हमारे पास ये तीन फंदे बच जाएंगे। तो हम इन तीन फंदों को उल्टा बना लेंगे। आप चाहे तो सीधे रख लीजिएगा, चाहे तो आप उल्टे रख लीजिए, मैंने तो उल्टे ही रखे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे तीन फंदे उल्टे हो गए और अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक फंदा जो है इसको हम सीधा बना लेंगे। ध्यान से देखिए, और अब हमारे पास ये वाला जो सीधा फंदा है, जो हमने पिछली बारी सीधा बनाया था, एक ये फंदा है, एक इधर वाला फंदा है और एक इधर वाला फंदा है और ये सेंटर में सीधा फंदा है। अब इन तीन फंदों को हम तीन के तीन बनाएंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, अब एक बार शुरू में ध्यान से बनाने लग जाएंगे, दो तीन रॉ बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब हम ये वाला फंदा, ये ऐसे थोड़ा सा मोटा फंदा दिखाई देता है, ये देखिए खुला हुआ ना, बड़ा फंदा दिखाई देता है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला फंदा हमने सीधा बनाना है। और फिर आगे ये देखिए, ये इधर वाला फंदा हो गया, ये इधर वाला फंदा हो गया और ये सेंटर में जो हमने सीधा फंदा बनाया था पिछली बारी, ये वो सीधा फंदा हो गया। तो अब इन तीन फंदों का हम फिर से तीन बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा इस सेकंड वाली रो को, ये देखिए, अब फिर से हमने ये एक फंदा सीधा बनाना है। ये देखिए, ये फंदा अपने आप ही समझ में आ जाता है, ये ऐसे थोड़ा खुला हुआ और मोटा सा फंदा दिखता है, तो इसीलिए समझ में आ जाता है कि इस फंदे को हमने सीधा बनाना है। ये देखिए, अब फिर से रिपीट पैटर्न, मैं भी आपको रिपीट सिलाई को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए, हमारे पास लास्ट में चार फंदे बचे हैं सीधा फंदा बनाने के बाद। अब हम इन तीन फंदों पर डिज़ाइन बनाएंगे और लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचा है, तो हम इस फंदे को सीधा बना लेंगे। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब हम इसका फिर से, क्योंकि हम डबल कलर में, दो कलर में बना रहे हैं, तो अब हम उल्टी तरफ से अपना फिर से धागा जो है वो चेंज करेंगे। तो अब हम ये लाइट वाला जो कलर है इसको लगाएंगे और ये उल्टी सिलाई उल्टी ही बनेगी, मैंने पहले बताया था आपको। ये देखिए, मैं बनाने के बाद आपको उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर से आपको दिखाती हूँ। हमने इस डिज़ाइन को चार सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली। यही चार सिलाइयाँ आपकी डिज़ाइन वाली हैं, यही चार सिलाइयाँ आपने हर बार रिपीट करनी है। रिपीट करने के बाद देखिए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर आया है। आप भी अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए या लेडीज़ के लिए बना सकते हैं। जेंट्स के लिए तो ये अच्छा नहीं है। हाँ, जेंट्स के लिए बनाना हो तो आप सिंगल कलर में बना सकते हैं। अगर आपको सिंगल कलर में ये डिज़ाइन चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको कलर सिंगल कलर में भी बना देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया डिज़ाइन और इजी डिज़ाइन लेके।